आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही उम्र है मेरे दोस्त कुछ करने की, इसे खोना नहीं है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि आप एक एक दिन करके बिता रहे हैं, प्रैक्टिस आप नहीं करते। बहुत से मेरे मित्र ऐसे हैं शुभचिंतक, हमारे भावी संचालक और भावी वक्ता, जो आने वाले समय में बहुत जबरदस्त बनना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आज का ये भाषण महात्मा गांधी पर बहुत ही खूबसूरत भाषण है, और इसमें मैंने अपने विचार, जो हृदय से मेरे विचार आए, वो मैंने लिखे हैं। और इस भाषण को आप बोलिए पूरी प्रैक्टिस के साथ। आकाश का चमकता सितारा था जो अंधेरों से कई बार हारा था। आकाश का चमकता सितारा था जो अंधेरों से कई बार हारा था। सत्य अहिंसा था जिसका मजहब, वो बापू बेसहारों का सहारा था। सबसे पहले आपको गांधी जयंती एवं विश्व अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह की सभा में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। यानी कि आप विद्यालय में भी आप ये भाषण बोल सकते हैं। ये भाषण मैंने विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों के लिए लिखा है। और भी लोग बोलना चाहें तो इसमें एडिट करके कुछ आप ऐड करके बोल सकते हैं कि सुबह की सभा में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में गांधी जी को याद किया जा रहा है। गांधी जी जिन्होंने सत्य अहिंसा के परम धर्म का पालन करते हुए मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिनके हृदय में सत्य और अहिंसा के भाव थे। हम सभी गांधी जी के सिद्धांतों से काफी परिचित हैं। उनके हृदय में सत्य और अहिंसा के भाव थे। हम सभी गांधी जी के सिद्धांतों से काफी परिचित हैं और उनकी कोई कहानी विचार अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ते हैं। आज आधुनिक भारत के परिवेश को देखा जाए तो हमें गांधी जी की ज़रूरत है। आज हम शैक्षणिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, आर्थिक रूप से विकास के शिखर छू रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। मगर इस गौरव के साथ हमने बुराइयां भी पाल ली हैं। बताएं जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आज पढ़े लिखे लोगों में भी गला काट प्रतियोगिता चल रही है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मानवता तार तार हो रही है। बातों में तो हम बोलते हैं कि शिक्षा दिव्य दृष्टि देती है, शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है, मगर असलियत कुछ और है। पढ़े लिखे लोग उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण होकर बड़े पदों पर बैठकर रिश्वतखोर बन जाते हैं। सरकारी पदों पर या अन्य किसी सत्ता पर काबिज लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि किसी गरीब निर्धन को भी लूटने में कसर नहीं छोड़ते। गांधी जी का सत्य ये नहीं कि हम सत्य की बात करें या सत्य ही बोलें, निष्ठा युक्त स्वावलंबन भी सत्य है। अपने स्वार्थ के लिए झूठ फरेब करना असत्य है। किसको क्या मिले इसका कोई हिसाब नहीं, किसको क्या मिले इसका कोई हिसाब नहीं। तेरे पास रू नहीं, मेरे पास लिबास नहीं, दिन प्रतिदिन इंसान का जमीर दम तोड़ रहा है। पढ़े लिखे पद प्रतिष्ठित लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, आडंबर, अहंकार भरा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पैसा और सुख सुविधाएं तो प्राप्त हो रही हैं, मगर मन में सुकून नहीं है। अच्छे अच्छे समृद्ध परिवारों में कलेश और लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अहिंसा और सत्य के गुणों के पालन से व्यक्ति में समरूपता, सहयोगी, मैत्री, करुणा, विनम्रता आदि के गुण होते हैं। और दोस्तों ये भाषण मैंने बिल्कुल सत्य लिखा है। अगर आपके अंदर दम होगा तो आप ये भाषण बोलेंगे, नहीं तो लोग औपचारिकता करने वाले इसमें से ऐसी बातें काट देंगे जो वास्तव में सत्य हैं, क्योंकि ये बातें कड़वी हैं, किसी का कलेजा छलनी कर सकती है। लेकिन अच्छे वक्ता इसको जरूर बोलेंगे। आगे बोलिए, अहिंसा और सत्य के गुणों के पालन से व्यक्ति में समरूपता, सहयोगी, मैत्री, करुणा, विनम्रता आदि के सद्गुण होते हैं। आज हमें मन, वाणी, कर्म से गांधी जी को अपनाना होगा। पढ़ाई के साथ मानवीय मूल्यों को धारण करना होगा। लोगों की गलाकार प्रतियोगिता से बाहर होकर खुद के साथ होड़ करें, दया करुणा का भाव जगाएं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का कार्य बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण विकास करना है। पूर्ण समर्पण के बिना दीक्षा नहीं होती, विनम्रता के अभाव में भिक्षा नहीं होती। पूर्ण समर्पण के बिना दीक्षा नहीं होती, विनम्रता के अभाव में भिक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो जीवन और चरित्र का गठन करे। तथ्यों का संकलन करने से शिक्षा नहीं होती। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जीवन और चरित्र का निर्माण करने का नाम शिक्षा है।
मैंने जो बातें कही ये कड़वी जरूर है मगर सत्य है। गांधी जी का पथ प्रदर्शन करते हुए हमें अपनी निर्बलताओं को स्वीकार करके मानसिक रूप से सशक्त होने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के पावन अवसर पर हम सभी निष्ठावान बनने का संकल्प लें, अपनी योग्यता से परिचित होकर स्वयं से प्रतियोगिता करें, अपने हृदय के दूषित विचारों को सत्य अहिंसा के भाव से दूर करेंगे। वक्तव्य के समापन पर दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जीवन और चरित्र का गठन करते हैं, आओ ऐसी शिक्षा के लिए यत्न करते हैं। लास्ट में आप बोल सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम सर्वहिताय सर्वसुखाय। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपका धन्यवाद। और ये भाषण आप दीजिए, किसी भी संचालन के भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।